नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इज माई कार सर्च और मैं हूं आपका दोस्त सुनील। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुंडई ग्रैंड आई 10 के टच स्क्रीन एंफोटेनमेंट सिस्टम के रिव्यू, इसकी म्यूजिक की, साउंड क्वालिटी की, इसके टच के रिस्पॉन्स की और इसके कुछ हिडन फीचर्स और इसमें आने वाले कुछ हिडन कॉन्फ़िगरेशंस जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हम इसका पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे और आपके इसकी साउंड क्वालिटी को भी मैं सुनाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको हुंडई ग्रैंड आई 10 के टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम का पूरा फीचर्स और उसका रिव्यू आपको मिल जाएगा और इसमें आपको आने वाले हिडन कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे आप स्पीकर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे आप स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल को इनेबल कर सकते हैं, कैसे आप रिवर्स करते समय अगर म्यूजिक चला रहे हैं तो उसका साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और आपको अगर इसी तरह के और भी वीडियो देखने हैं बाकी कार्स की तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हुंडई ग्रैंड आई 10 का कंसोल जहाँ पे आपको टच स्क्रीन एंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके दोनों तरफ आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको बेसिक डिस्प्ले है जहाँ पे आपको टाइम, डेट और बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके ठीक नीचे आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहाँ से आप एसी और हीटर को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बगल में आपको ब्लोअर कंट्रोल के ऑप्शन दिए गए हैं और उसके बाद एक तीसरा नॉब दिया गया है जहाँ से आप एयर फ्लो को के डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो तीसरा नॉब है वहाँ से आप एयर फ्लो कंट्रोल के डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं, ये वाला नॉब। और उसके साथ ही उसके बगल में आपको दो और बटन्स मिलते हैं जिससे आपकी एयर सर्कुलेशन मोड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप अंदर की हवा को रिसर्कुलेट करना चाहते हैं या बाहर की फ्रेश हवा को लेके सर्कुलेट करना चाहते हैं। यहाँ से आप FM वगैरह को रिट्यून कर सकते हैं। यहाँ पर रेडियो, फ़ोन, मीडिया के ऑप्शंस दिए गए हैं और ये वाला जो बटन है यहाँ से आप ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं और एक बार प्रेस करने पर आपका जो ऑडियो विजुअल है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस में जाएंगे, अगर आपका ब्लूटूथ से कंट्रोल है तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपका फ़ोन USB से कनेक्टेड है तो यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन भी इनेबल मिल जाएगा। अगर आपके फ़ोन में एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में साउंड, डिस्प्ले, फ़ोन, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, कीबोर्ड, स्क्रीन सेवर वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर हम सिस्टम इन्फो में जाएँ तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर वर्जन और फॉर्मवेयर जो इंस्टॉल्ड है उसका इंफॉर्मेशन मिल जाता है, साथ में अपडेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसमें 1098 MB का मेमोरी स्टोरेज भी दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो म्यूजिक है, यहाँ पे म्यूजिक और फ़ोन पे आप अगर आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे आपके फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट्स दिखाए जाएंगे और यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको फ़ोन रिसीव करने का ऑप्शन है, फ़ोन को रिजेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया और हैंड्स फ्री जब आप एंड्रॉयड ऑटो के साथ कनेक्टेड हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज और म्यूट करने का ऑप्शन दिया गया था। यहाँ से आप FM के मोड और मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रिप रीसेट और ट्रिप को सेट करने का ऑप्शन दिया गया है। अब हम बात करेंगे इसमें इसके म्यूजिक की क्वालिटी की। तो अगले अभी कुछ सेकंड में मैं आपको म्यूजिक प्ले करूँगा अपने वीडियो से, मोबाइल से कनेक्ट करके। तो यहाँ पे मैं अब म्यूजिक प्ले करने वाला हूँ और आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे मैं ओरिजिनल साउंड ही प्ले करने वाला हूँ जो मैं अपने कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो मेरे कार में बज रही है। तो आप सुनिए और डिसाइड कीजिए। यहाँ पे आपको वॉल्यूम कितने लेवल पे है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पे। तो अभी मैं ये एक नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ क्योंकि बाकी म्यूजिक वगैरह प्ले करने पे कॉपीराइट स्ट्राइक आने की संभावना है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 27-32 के आसपास है और ये जाता है 45 तक।
अब हम बात कर लेते हैं इसमें आने वाले कुछ ऐसे फीचर्स की जो आपको पता होने चाहिए और जो काफ़ी कमाल के फीचर्स हैं और काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं या फिर आप जब यहाँ पे ऑडियो को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे Hyundai Grand i10 के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है कि आप अपने जो ऑडियो स्पीकर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो वहाँ पे जाने के बाद आपको ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं जहाँ पे आप जाके एक एक स्पीकर को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप पीछे वाले स्पीकर्स बजाना चाहते हो या सामने वाले स्पीकर बजाना चाहते हो या साइड वाले स्पीकर या लेफ्ट वाला स्पीकर या राइट वाला स्पीकर बजाना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आप साउंड को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप म्यूजिक में जाएंगे या फिर सेटिंग्स में जाएंगे और जब साउंड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पोजीशन का ऑप्शन दिया गया है जहाँ से आप अपने स्पीकर्स के पोजीशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी पीछे वाले स्पीकर्स को मैंने सेलेक्ट किया है तो साउंड पीछे वाले स्पीकर्स से ही आएगा, आगे वाले स्पीकर्स से म्यूजिक नहीं बजेगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि सामने बैठे पैसेंजर या ड्राइवर को म्यूजिक सुनना है या नहीं, और ये ऑप्शन सेलेक्ट करने पे अभी सिर्फ सामने वाले स्पीकर यानी कि फ्रंट स्पीकर ही बजेंगे और बीच में अगर आप इसको एडजस्ट कर देंगे तो चारों स्पीकर से आपको म्यूजिक सुनने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूजफुल फीचर है। अगर सामने वाले पैसेंजर या पीछे वाले पैसेंजर म्यूजिक नहीं सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वॉल्यूम कंट्रोल के साथ साथ स्पीकर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये साइड वाले स्पीकर्स बजेंगे, लेफ्ट साइड वाले, और यहाँ से ये लेफ्ट का जो पीछे वाला स्पीकर दो हैं उसमें से एक स्पीकर बजेगा। तो यहाँ से आप काफ़ी कंट्रोल करके आप म्यूजिक सुन सकते हो बाकी लोगों को डिस्टर्ब किए बिना। तो ये काफ़ी यूजफुल फीचर मुझे लगता है और ये मुझे काफ़ी पसंद भी आया। यहाँ पे आपको इक्वलाइजर का भी ऑप्शन मिल जाता है, लाउडनेस यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स प्रायोरिटाइज का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जब भी आप अपनी कार को रिवर्स करते हो, रिवर्स गियर इंगेज करते हो, वैसे ही आपका जो वॉल्यूम है वो बहुत हद तक डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिससे आपको पार्किंग करते समय रिवर्स लेते समय डिस्टर्ब होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको डेमो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि जैसे ही रिवर्स गियर इंगेज हुआ साउंड जो है वो रिड्यूस हो गया और साथ में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी एक्टिवेट हो गए। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, अगर आप कार चला रहे हैं और रिवर्स कर रहे हैं तो उस समय आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और वॉल्यूम अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम लिमिटेशन ऑन स्टार्टअप का भी ऑप्शन दिया गया जो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब एडवांस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल का भी फीचर दिया गया है। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो जब भी आपकी स्पीड एक लिमिट पे जाएगी तो वहाँ पे वॉल्यूम अपने आप भी एडजस्ट हो जाया करेगा। तो ये तो था एक छोटा सा वीडियो, एक डिटेल वीडियो एक्चुअली Hyundai Grand i10 के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का डिटेल रिव्यू का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही कार न्यूज़, रिव्यूज़, कार टेक्नोलॉजी और कार कंपेरिजन के वीडियोज़ आते रहते हैं। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ बाकी कार्स के बारे में भी देखना है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उन कार्स के भी डिटेल्ड रिव्यू बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए।